हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके आरआरबी जेईई 2019 में आने वाली वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, जो आपकी ब्रांच वाइज है। आपकी तो 3 कोर ब्रांचेस, जो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो जो जहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका जोन है आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर में जो आपकी वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए वो है 78, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए है 89 और सिविल वालों के लिए है 187। फ्रेंड्स, जो मैं ये वैकेंसी बता रहा हूँ ये जनरल की है, ठीक है, टोटल वैकेंसीज, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी वाइज नहीं है कि जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है पर ब्रांच की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ पे आपके मैकेनिकल की है 205, इलेक्ट्रिकल की है 154 और सिविल की सबसे ज्यादा 230 वैकेंसीज। नेक्स्ट आता है आपका चंडीगढ़, ठीक है। तो आपके आरआरबी चंडीगढ़ में मैकेनिकल के लिए है 146, इलेक्ट्रिकल के लिए 102 एंड सिविल के लिए 143, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपका आरआरबी चेन्नई की, ठीक है। आरआरबी चेन्नई में आपके मैकेनिकल के लिए 151, इलेक्ट्रिकल के लिए 61 एंड सिविल के लिए 204, ठीक है। नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपके मैकेनिकल वालों के लिए होगी 80 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 73 और सिविल वालों के लिए 102, ठीक है। उसके बाद जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपका कोलकाता, आरआरबी कोलकाता। कोलकाता के अंदर आपके मैकेनिकल के लिए 303 पोस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैकेनिकल वालों के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है कोलकाता जोन में 303, इलेक्ट्रिकल के लिए 140, सिविल वालों के लिए 166, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका आरआरबी मुंबई। मुंबई वालों में सिविल वालों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 162, इलेक्ट्रिकल के लिए 172 और सिविल वालों के लिए 246 पोस्ट। सबसे ज्यादा पोस्ट है सिविल वालों के लिए मुंबई में 246। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में भी सिविल वालों के लिए सबसे ज्यादा मैकेनिकल की है 101, इलेक्ट्रिकल की 73 और सिविल वालों के लिए 155। दूसरा आपका जोन है आरआरबी जम्मू। जम्मू के अंदर फ्रेंड्स आपके मैकेनिकल वालों के लिए 110 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 44 और सिविल वालों के लिए 61 पोस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर सर वैकेंसी थोड़ी कम है, आपके मैकेनिकल के लिए 53 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 37 है, सिविल वालों के लिए 99। अफ्रेंड आपका आता है आरआरबी भोपाल। भोपाल जोन में आपके मैकेनिकल के लिए 68 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 37 है, सिविल वालों के लिए 47 है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये टॉप वो जोन थे जहाँ पे वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। आपके मैकेनिकल जोन में जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके लिए कोलकाता में आई है, ठीक है, और सिविल वाले के लिए आपके सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि आपके टॉप 5 आरआरबी जोन्स कौन से हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी, नॉट कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो देखिए आपका जो सबसे पहला जोन है मुंबई, आरआरबी मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1544 पोस्ट आई है टोटल फ्रेंड्स। जी हाँ, आरआरबी मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सेकंड है आपका आरआरबी कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1519, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड जो आपका जोन है वो है आरआरबी इलाहाबाद और प्रयागराज, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो है 1446 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद है आपका आरआरबी चेन्नई। चेन्नई के अंदर फ्रेंड्स 1183 पोस्ट है। उसके बाद आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 996 पोस्ट है, ठीक है। सिक्स नंबर पे वैसे आपका लिखा हुआ है, सिक्स नंबर पे जो आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन है वो है अजमेर। अप्रोक्सीमेटली 825 पोस्ट है अजमेर जोन में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस आरआरबीज हुए हैं जेई और एसएससी के लिए, तो उसमें जो आपकी वैकेंसी जहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाती है वो जोन आपके रहते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और एक जोन और आता है मालडा। फ्रेंड्स, मालडा में पोस्ट कम है, वैकेंसीज कम है, पर वहां की कट ऑफ कम जाती है। सबसे पहला आता है चेन्नई, सेकंड है आपका बेंगलुरु, थर्ड है आपका मालडा और फोर्थ नंबर पे आता है बिलासपुर। यहाँ पे आपकी नॉर्मली कट ऑफ कम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज डिटेल्स थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस में आपके लिए आरआरबी जेईई की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।